में अतिक्रमण हटाने के सरकारी अमले को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। अमले में पुलिसकर्मी और वन अमले के 10 कर्मचारी थे, जो छैला गांव की 66 हेक्टेयर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर पौधारोपण करने पहुंचे थे। तभी अचानक ग्रामीणों की भीड़ ने अमले को बंधक बना लिया और सरकारी वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। और आपको बता दें कि सरकारी अमले को यहां पर बंधक बना लिया गया है। ग्रामीणों में कानून का खौफ नहीं है और उन्होंने यहां पर 10 कर्मचारी थे, पुलिस प्रशासन के भी कुछ कर्मचारी थे और उन्हें बंधक बना लिया। और घटना से जो प्रशासन तक पहुंचे, आला अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंची, उसके बाद हड़कंप मचा। लेकिन यहां पर बंधक बनाने के बाद उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। महज सिर्फ इतना अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे सरकारी अमला, जिसे बंधक बना लिया गया। अधिक जानकारी से पुरुषोत्तम पात्रा हमारे साथ जुड़ गया। पुरुषोत्तम, यहाँ पर ग्रामीणों में कानून का खौफ नहीं है, उन्होंने यहाँ पर बंधक बना लिया। जो लोग आए थे, चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हो या फिर सरकारी अमले में जो पुलिसकर्मी थे, उन्हें क्या उन्हें छुड़ा लिया गया है? क्या जद्दोजहद करनी पड़ी उन्हें छुड़ाने के लिए? क्या आखिर मांग थी यहाँ पर ग्रामीणों की, जिसकी वजह से उन्हें बंधक बनाया? जी दीपक, मैं आपको सिलसिलेवार आपको बताता हूँ कि ये जो जंगल है, ये अभी 6 महीना पहले ही वन विभाग ने वन मंत्री के निर्देश से इसको अतिक्रमणकारियों से छुड़वाया था। क्योंकि यहाँ जो स्थानीय ग्रामीणों की भी मांग थी कि यहाँ बाहर के लोग जो आके बसे हुए हैं, अतिक्रमण किए हैं, यहाँ से दूर खदेड़ा जाए और यहाँ पे पौधारोपण किया जाए। तो उनको हटाने के बाद 60 हेक्टेयर में लगभग पौधारोपण का प्रपोजल तैयार किया था वन विभाग, और आज पुलिस और वन विभाग जो है संयुक्त रूप से वहां पहुंचकर गड्ढा खोदने के अलावा अनेक तरह के काम वहां पे कर रहे थे ताकि पौधारोपण जल्द जल्द किया जाए। लेकिन वहां घुमरा पदर का के ग्रामीण जो पहले से अतिक्रमण किए हुए थे, वो करीब 60 से 70 की संख्या में वहां पहुंचे। महिलाओं के हाथ में डंडे थमा दिए गए थे और महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, उनमें सारे महिलाओं को आगे करके वहां पे वन विभाग के और पुलिस के लोगों पे हमला किया गया और करीब 2 घंटे तक उनको बंधक बनाए रखा। अमलीपदर थाना प्रभारी वहां पहुंचे और बल वहां पहुंची, उसके बाद 1.5 से 2 घंटे के भारी मशक्कत के बाद उनको किसी तरह से वहां बंधक बनाकर जो बंधक बने थे उनको निकाला गया। ग्रामीणों का दावा है कि ये जो जमीन है वो 2005 के पहले से वो यहाँ पे काबिज शेरी से अवैधानिक तरीके से वन विभाग ने इसको मुक्त कराया है और वहाँ पे बकायदा पैरलर तरीके से कानून चलाया जा रहा है। वहाँ के जो ग्रामीण है, वहाँ जो माफिया के तौर पे जो काम कर रहे हैं, बकायदा वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा दिया गया है जिसमें सरकारी लोगों के प्रवेश निषेध, इस तरह के बोर्ड भी लगा के तानाशाही वहाँ पे किया गया है ग्रामीणों के द्वारा। तो निश्चित तौर पे ये देखा जाए तो ये अतिक्रमण का बहुत बड़ा मामला है और एक दुस्साहस का भी मामला है, जिसपे अभी ठोस कदम उठाने के लिए प्रशासन जो है निर्णय ले रही है। पुरुषोत्तम, गिरफ्तारी किसी की हो पाई या फिर किसी के खिलाफ अज्ञात या फिर नामजद किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए, फिलहाल तो अभी ग्रामीण जो वहाँ पे मौजूद है, 60 से 70 की संख्या में है ग्रामीण मौजूद है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ पे ना बने, इसलिए अभी किसी प्रकार की कार्रवाई वहाँ पे नहीं किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह के यहाँ पे डंडे बरसाए गए हैं, वन विभाग के कर्मचारियों को पीटा गया है, पुलिस को बंधक बनाने की कोशिश की गई है, यहाँ तक कि सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के अलावा जो शासकीय संपत्ति को नुकसान जो है कार्रवाई पुलिस करेगी और शासकीय काम में दखलअंदाजी का मामला भी यहाँ पे बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जी चलिए, शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम जानकारी के लिए। सागर में एक